तो यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम है, अपन को ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अपन को क्या दे रखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये प्रोडक्ट दे रखा है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को कैसे कर रहा हूँ, एक पार्ट तो मेरा ये बनाऊंगा, सिर्फ इस वाले पार्ट का, और एक पार्ट में ये बना रहा हूँ। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, जैसे मैं आर की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 1/5 आएगा, फिर आगे बढ़ता जाऊंगा तो 2/6, 3/7, 4/8, 5/9, इस तरीके से चलता जाएगा ये, और लास्ट में ये खाता जाएगा एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू। इधर एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एन प्लस वन आएगा, एन माइनस फोर डिवाइडेड बाय एन आएगा, इस तरीके की टर्म यहाँ पे आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या क्या अपने पास बचने वाला है, इसके बाद यहाँ पे एन माइनस फाइव आएगा, इससे पहले डिवाइडेड बाय एन माइनस वन आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो इधर से कैंसिल होना चालू हो रहा है, तो शुरू की ये चार टर्म बचेगी और लास्ट की ये चार टर्म बचेगी। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इस केस में क्या बचेगा, शुरू की तो ये चार टर्म बचेगी उसमें, और लास्ट की चार टर्म बचेगी और बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही अपन इस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रोडक्ट में जैसे ही तुम यहाँ पे आर की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो 3 पुट करने पर यहाँ पे जो आएगा वो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा ये चीज आएगी, फिर आगे पुट करोगे तो ये आएगा, फिर आगे पुट करोगे तो ये आएगा, तो यहाँ से रिपीट होना चालू हो रहा है। और लास्ट के जो दो टर्म बचेगी यहाँ पर वो मैं लिखता हूँ, तो अपने पास ये आएगी। बाकी यहाँ पे जैसे यहाँ से चालू हो रहा है तो ये दो टर्म बचेगी, और ऊपर की यहाँ पे दो टर्म बचेगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिला के जो अपना फाइनल जो अपन को बताना है वो अपने पास ये बचा। कुल मिला के ये बचा अपने पास। अब अपन को लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बताना है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पे तुम देख सकते हो 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो लिमिट है ये पूरी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तुम एन की पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ऊपर डिवाइड करूँ तो एन की पावर 4 से, तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाली टर्म तो चली जाएगी, तो ऊपर 1 बचेगा, और नीचे देखूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। अब तुम यहाँ पे खुद ही चेक कर लो, तो ये लिमिट यहाँ पे ये 1 को टेंड करेगा नीचे वाला, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ से 7 बचेगा, तो अपनी लिमिट की वैल्यू 2/7 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।